हेलो फ्रेंड्स, मैं सर कुमार शर्मा फ्रॉम यथार्थ क्लास। आज मैं पार्ट टू सेल का लेके आया हूँ, जिसमें कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट की जब भी मैं बात करता हूँ तो प्रोटोप्लास्ट क्या है, देखो बेटा इसको अपन ऐसे समझते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट है, प्रोटोप्लास्ट इज अ लीविंग जेली लाइक पोर्शन ऑफ सेल, मतलब जीवित लिविंग जेली लाइक पोर्शन। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है, जेली होता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। अब अपन देखते हैं भाई प्रोटोप्लास्ट है क्या। ऐसे समझो जैसे कि ये सेल है, क्या है बताओ बेटा अपने को, सेल। सेल के बाहर एक बाउंड्री है, बाउंड्री क्यों, ताकि सेल के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है वो बाहर ना जा सके। ठीक है, जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे इस बॉटल के अंदर पानी है। ठीक है, इस बॉटल के अंदर क्या बताओ बेटा, पानी। मगर इस पानी बाहर ना जा सके इसलिए बॉटल क्या बताओ बेटा अपने को, बाउंड्री है ना, एक शेप है। ठीक है, इस तरीके का सेल के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है, लिक्विड भी है सॉलिड भी है, वो बाहर ना जा सके, इस वजह से ये बाउंड्री है। इस बाउंड्री को अपन क्या बोलते हैं बताओ बेटा, सेल सेल मेम्ब्रेन, और अपन क्या बोल सकते हैं बताओ बेटा अपन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बताओ बेटा अपन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सर ये होता कैसा है बेटा, ये सेलेक्टिव परमिएबल इन नेचर होता है। सर ये नया टर्म है सेलेक्टिव परमिएबल, बेटा सेलेक्टिव परमिएबल मतलब जो कुछ सब्सटेंस को आने दे और जाने दे, ठीक है, सभी को अलाउ ना करें। देखो आप ये कैसे होते हैं, देखो एक होता है फ्री परमिएबल जो सबको आने दे सबको जाने दे, एक होता है नॉन परमिएबल, नॉन परमिएबल मतलब किसी को भी आने दे, सेलेक्टिव परमिएबल जो कुछ को आने दे और कुछ को जाने दे। ऐसे समझिए कि आप एक शादी फंक्शन में कहीं गए हैं या कहीं भी एक फंक्शन में गए हैं जहां आपके गेट पास लग रहा है। अगर आपके पास गेट पास होगा तो आप जाएंगे, और गेट पास नहीं होगा तो आप नहीं जाएंगे, मतलब आप क्या है वहां पे सेलेक्टिव है भाई, क्योंकि आपके पास क्या है, गेट पास है। कोई ऐसा इसके पास गेट पास नहीं, क्या हो जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को क्या बोला है कि सेल सेल के अंदर जो मटेरियल है, सेल सेल के अंदर जो मटेरियल है वो किससे गार्ड होता है, किससे प्रोटेक्ट होता है भाई, बाहर से इसके लिए क्या प्रोटेक्शन कवरिंग रहती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वो होती कैसी है, सेलेक्टिव परमिएबल। कैसी होती है बताओ बेटा अपने को, सेलेक्टिव परमिएबल मतलब कुछ सब्सटेंस को आने देती कुछ सब्सटेंस को नहीं आने देती, और इसके अंदर जो भी चीज प्रेजेंट है, जो भी चीज मतलब वो सब को सब लिक्विड है, और जो भी चीज प्रेजेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं बताओ बेटा, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, कई लोगों को डाउट है सर सेल के अंदर तो लिक्विड भी होता है और कुछ सॉलिड बॉडी भी होते हैं। हाँ, इसको मैं ऐसे बता देता हूँ कि जैसे अपना जो प्रोटोप्लाज्म है वो दो हिस्सों में आके टूट जाएगा, एक को अपन क्या बोलेंगे साइटोप्लाज्म, दूसरे को अपन क्या बोलेंगे बताओ बेटा, सेल ऑर्गेनेल। क्या बोलेंगे बताओ बेटा, सेल ऑर्गेनेल। साइटोप्लाज्म में कौन सा पोर्शन होगा, लिक्विड वाला पोर्शन, और सेल ऑर्गेनेल में कौन सा पोर्शन होगा बताओ बेटा अपने को, सॉलिड वाला पोर्शन। या सेल ऑर्गेनेल आप जानते हैं, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल, जो भी लिविंग कंपोनेंट है और सॉलिड है, तो अपन किसके तहत पढ़ेंगे बताओ बेटा, सेल ऑर्गेनेल के तहत, जो कि सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी करते हैं। दूसरा अपना क्या बताओ बेटा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या बताओ बेटा, लिक्विड पोर्शन। मतलब आप इसको ये समझिए कि सेल ये आपका सेल है, सेल की बाहर से कवरिंग कौन सी बताओ बेटा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है उस लिक्विड को अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। उसके अंदर जो सॉलिड बॉडी प्रेजेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल। और अगर साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल दोनों को मिला दो, मतलब अंदर जो भी चीज बैठे उसको अपन क्या बोलेंगे बताओ बेटा, प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट इज अ लिविंग जेली लाइक पोर्शन ऑफ सेल, लिविंग जेली लाइक पोर्शन, ट्रांसपेरेंट होता है, लिटिल बिट ऑफ सेमी सॉलिड होता है ना। फिर अपन क्या बोला है कि देखो, इन ईयर 1835 रिजार्डिन नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था अपने को, प्रोटोप्लास्ट को डिस्कवर किया था, जिन्होंने उनका मतलब नेम क्या किया था, सेल को। आफ्टर इसके बाद अब देखो जॉन्स परकैंजी आते हैं, जो कि फिजियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने 1839 में पहला जो टर्म था प्रोटोप्लास्ट लाया था, मतलब द फर्स्ट टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट टर्म इंट्रोड्यूस्ड मतलब जो प्रोटोप्लास्ट का जो पहला टर्म जो टर्म था उसने इंट्रोड्यूस किया था, जॉन्स परकैंजी ने इंट्रोड्यूस किया था 1839। ठीक है, तो द फर्स्ट टर्म प्रोटोप्लास्ट इज यूज्ड बाय द जॉन्स परकैंजी इन 1839। ठीक है, अब इनके आगे थोड़ी देखते हैं। परकैंजी नेम्ड दिस मटेरियल प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग फर्स्ट फॉर्म टू आइडेंटिफाई दैट इट वाज द मोस्ट बेसिक सब्सटेंस ऑफ लाइफ। ठीक है बेटा, इसकी एक और पैरेललिज्म में मैं एक बात बता सकता हूं। एक साइंटिस्ट थे
जूलियस हक्सले इन्होंने क्या कहा था कि इट इज अ फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ कहने का मतलब भौतिक आधार है जीवन का, फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जॉनस पर्केंजी ने क्या कहा था कि फर्स्ट फॉर्म मतलब सेल आया, ठीक है, सेल के अंदर जो लिक्विड प्रिंट उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। जिसका मीनिंग क्या होता है बताओ बेटा अपने को, फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है बताओ बेटा, फर्स्ट फॉर्म। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि पुर्केंजी ने प्रोटोप्लास्ट का नेम क्यों दिया था, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट में ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या था, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट द जेनेटिक एक्सेप्टेंस ऑफ अ सेल इज एक्चुअली कॉम्प्लेक्स। अब यहां पे वो ये बताते हैं भाई किससे बना, ये बना हुआ है बताओ बेटा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जो कि किससे बना है, प्रोटीन, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड मिनरल सॉल्ट। ठीक है, तो अपने साइंटिस्ट पर्केंजी जी उन्होंने क्या कहा कि भाई किससे बना हुआ एक्चुअली में, एक्चुअली कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जो कि प्रोटीन, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड मिनरल सॉल्ट से बना। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं। देखो ये प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म एक ग्रीक वर्ड था जिसका मतलब क्या था, फर्स्ट फॉर्म, जो कि पर्केंजी ने बताया था इसका मीनिंग। तो प्रोटोप्लाज्म इज अ लिविंग जेलीलाइक पोर्शन ऑफ शेल, लिविंग जेलीलाइक पोर्शन। ठीक है, डजारडिन ने इसको फर्स्ट डिस्कवर किया था 1835 में, जो किसका नेम क्या था, सैकोज। उसके बाद जोनस पर्केंजी आते हैं, जोनस पर्केंजी ने फर्स्ट बार पहली बार उन्होंने टर्म प्रोटोप्लाज्म यूज किया था जो कि ग्रीक वर्ड था जिसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जो कि प्रोटीन, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और मिनरल्स से मिलके बनता है। इधर पे आ जाओ सर, सर के बाहर नियम में उसको अपन सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेलेक्टिव परमेबल होती है, उसी सब्सटेंस को अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है। तो ये जो अंदर पूरा मटेरियल सेल के अंदर प्रेजेंट है उसको प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट दो हिस्सों में टूटेगा। पहला साइटोप्लाज्म, लिक्विड पोर्शन को साइटोप्लाज्म बोलोगे, सॉलिड पोर्शन को आप क्या बोलोगे बताओ बेटा, सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स से गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडीज। ठीक है, लाइसोसोम्स। ठीक है, तो ये आपको बोला गया। एक लास्ट बात, जो जूलियस हक्सले थे उन्होंने क्या बोला, फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ मतलब जीवन का जो भौतिक आधार है वो क्या है बताओ बेटा, वो प्रोटोप्लाज्म। देखो अगर मैं यहाँ पे फिजिकल हटा के अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे क्या है, फिजिकल बेसिक। अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दू भाई, यहाँ पे फिजिकल को रिमूव कर दू, बेसिक के बाद यूनिट लगा दू, अगर मैं इट इज फिजिकल, सॉरी It is a physical basic of life. अगर क्वेश्चन में आता तो आप क्या लिखोगे, प्रोटोप्लाज्म। It is a basic unit of life. तो आप क्या लिखोगे, सेल। है ना? अगर पूछता है आपसे कि मैं अगर choose the option यार अपने कई बारी, अगर आपसे पूछता है कि it is a physical basic of life, तो आप क्या बताओगे बताओ बेटा, भाई ये जूलियस हक्सले ने क्या बताया, प्रोटोप्लाज्म। It is a physical basic of life, प्रोटोप्लाज्म। It is a basic unit of life. ये basic of life. यूनिट हटाना तो basic of life. तो आप क्या बोलोगे बताओ बेटा अपने को, सेल। ठीक है, तो ये अपना प्रोटोप्लाज्म का। ठीक है, थैंक यू बेटा।